हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन वुमन ग्रिहिनी। मैं हूँ बुल्टी, आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गुड मॉर्निंग एवरीवन, अभी बजे सुबह के 9, तो मैं जा रही हूँ पार्लर आईब्रो कराने के लिए, और फिर पापा के लिए मेडिसिन लेना है, मेडिकल में जाना है, तो दोनों काम एक साथ कर लेती हूँ। और फिर बहुत आज बिजी डे होने वाला है तो इसकी वजह से, तो चलिए पार्लर तो आ चुका है और मैं जाती हूँ आईब्रो कराने के लिए, फिर मिलते हैं। तो बस मैं अभी आ चुकी हूँ आईब्रो करके। कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है थोड़ा सा इस साइड का कैसे अलग लग रहा है, शायद, पता नहीं। तो आईब्रो हो चुका है और पापा का दवाई भी मिल गया। बस एक दवाई ना नहीं मिला है तो मैं ऑनलाइन से बुक कर दूंगी, सोच रही हूँ। तो अभी मैं जाती हूँ लंच करने, बहुत भूख लगी है जोरों से, और फिर बाद में पैकिंग करना स्टार्ट करूँगी। बस मेरा लंच कंप्लीट हो गया है और मैंने जस्ट सिंपल सा लंच बनाया था, आलू और बीन्स की सब्जी और राइस दाल बनाया था, तो वही मैंने खाया। और अभी बस मैं पैकिंग करने शुरू कर रही हूँ क्योंकि और दो ही दिन बचे, तो शुरू तो करना ही होगा जल्दी, क्योंकि सब धीरे धीरे, पैकिंग ऐसी चीज़ है ना कि लास्ट तक, एंड तक रह ही जाती है, चाहे थोड़ा 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 करके पैकिंग होते ही रहता है, होते ही रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा कपड़े का जो भी पैकिंग है वो मैं बिल्कुल पहले ही कर लेती हूँ, और जो भी ट्रेन में एसेंशियल्स चीज़ें जो लगेगी, मीन्स कैरी बैग में जो भी मैं लूँगी, तो वो सब चीज़ें मैं नॉर्मली टिश्यू पेपर या मेकअप की चीज़ें या फिर कोम, ये सब जो भी चाहिए वो सब मैं ले लूँगी। और तो वही दो बैग पैक करना है, तो मिठुन का मेरा पैक कर लेती हूँ जल्दी से। तो चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ क्या क्या मैं लेके जाने वाली हूँ। तो बस एक बड़ा सा लगेज में मैं पैकिंग कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैं मिठुन का कुछ कपड़े लूँगी जो नए नए हैं, और यहाँ पे मेरी जितने भी साड़ियाँ हैं तो वो सब मैं ले लूँगी। तो ये वाला जो साड़ी है वो मेरी शादी का साड़ी है, बनारसी, इट्स कॉल्ड बनारसी बंगाली साड़ी। तो ये मरून कलर का साड़ी है, मैंने अपने शादी में यही साड़ी पहनी थी, बहुत ही प्यारी और बहुत ही सुंदर है। मैंने इसे एक ही बार पहना है और इसे अभी तक वॉश भी नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ कि गांव में मैं कुछ फंक्शन हो तो एक बार इसे पहन लूँ और फिर गांव में ही रख के आऊँगी। नॉर्मली हम बनारसी तो ऐसे भी पहनते नहीं हैं, तो कोई अगर फंक्शन हो तो मैं गांव में पहनूंगी, तो इसीलिए सब साड़ी जितने भी है तो मैं पैक कर रही हूँ, क्योंकि मैं बाहर चेन्नई में तो साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो इसकी वजह से। और बाकी जितने भी साड़ी है सब पैक कर ले रही हूँ, जो जो चाहिए।
कपड़े की पैकिंग तो फुल हो गई है, अभी बस एसेंशियल चीजें जो लेना है बैग में, कैरी बैग में, और मेकअप का जो भी मुझे लेना है तो बस वही सब चीजें लेने हैं। और खाना वीना जो लेके आएंगे तो वो तो बैग मैंने बाहर कर दिया, तो उस दिन लेके जाएंगे। ये सारी चीजें जो भी है, मेकअप का सारा चीज है, और ये हमारा शाका पोला है, तो ये भी गांव में जा रही तो ये सब पहनना ही पड़ेगा। तो अभी फिलहाल मैं बैग में रख रही हूँ यहाँ पे सामने चेयर में, तो फिर बाद में जा रही हूँ पहन सकती हूँ। और ये नॉर्मल है और ये गोल्ड वाला है। और बाकी जो भी मैंने टी नगर से और बाकी मेरे पास जो भी ज्वेलरी और मेकअप है, वही सब जो जो चीज में लेके जाने वाली, वही सब पाउच में और बैग में रख लूँ। और ये जो मैंने नया वाला मोबाइल लिया था नोकिया का, तो उसमें से मैं चार्जर और एयरफोन ले ले रही हूँ, क्योंकि यहाँ गांव में मैं रहने वाली, तो उसके लिए भी लेना पड़ेगा। और फिर मिठुन आ जाएंगे, तो मिठुन के पास भी एक चाहिए, तो इसकी वजह से। और ये सैनिटर है, मीन्स ट्रेन में ना हाथ धोने के लिए, फिर बाई चांस कभी किधर भी हम रेस्टोरेंट में गए तो अगर हाथ नहीं धोने के लिए, तो इसकी वजह से सेंटर में ले जाएंगे। डेटॉल का अच्छा है। और ये कुछ कचेस क्लिप है। और ये टिकटॉक है, टिक टिक, इसे हम लोग टिक टिक बोलते हैं। और कुछ पिंस, और ये ज्वेलरी, साड़ी भी पहनूंगी तो उसके ऊपर पहन सकती हूँ ना। तो ये बस दो लिपस्टिक लूंगी और तीन रख दूंगी, और हाँ, और ये वाला भी, मीन्स तीन लिपस्टिक लिया है मैंने। और ये सिंदूर, लिप बाम, और ये है ना चंदन का ऑयल है मुंह पे ऐसे लगाने के लिए। विक्स को ना मैं फ्रंट चेन में रख दूंगी वाले, कभी भी काम आ सकते हैं। और मैंने यहाँ पे आई शेडो लिया है, कुछ भी फंक्शन रहा तो अप्लाई कर सकते हैं। और ये एक बन ले रही हूँ, अम्बोड़ा टाइप या कुछ हेयर स्टाइल करूंगी तो काम आएगा। तो बस यही था मेरा एसेंशियल की जो भी चीजें हैं, यही सब कुछ लेना था। और बाकी टिश्यू पेपर और जो भी चीजें लगेगी तो वो हम कल जाने वाले हैं टी नगर, तो वहां से ले लेंगे। तो मेरा तो जो भी एसेंशियल चीजें जो भी लगेगी मैंने नॉर्मली ले लिया है। और अभी फिर हम कल टी नगर जाएंगे तो और भी कुछ मार्केटिंग करेंगे, तो फिर और भी टिश्यू पेपर और सब कुछ जो भी चीजें चाहिए तो फिर वो सब हम लेके आएंगे। और मिठुन का भी बाकी है, तो बस यही सारे पैकिंग फुल हो गए। कोलकाता जाने के लिए पैकिंग फुल कम्प्लीट हो चुका है। सो कोलकाता वी आर कमिंग, और बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सब कुछ हो चुका है, तो कल जाके हम लोग मार्केटिंग करेंगे, तो उसके बाद दूसरे दिन मंडे को हम लोग का ट्रेन है, तो बस हम जा रहे हैं कोलकाता। सो आई एम सो हैप्पी। और पैकिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, तो इस ब्लॉग को मैं फिर यहीं पे एंड करती हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।